कोविड-19 खाद्य रसद आपूर्ति हेतु जो पर्चा चिपका के ललितपुर जिला से गेहूं खो सागर जिला में बेचने की तैयारी हो रही थी और यही मामले खो जब पकड़ेगा सागर में और पूरे विषय ने तूल पकड़े तो अब जिलाधिकारी ललितपुर योगेश कुमार शुक्ला ने एक बयान जारी करी है। जिलाधिकारी ललितपुर के मुताबिक मध्य प्रदेश में राहतगढ़ थाना में जो FIR दर्ज कराई गई है उसको अध्ययन करेगा है। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व से जांच की बात करी गई, संपूर्ण जांच कछु दिनन में आए लेकिन शुरुआती जांच में प्रथम दृष्टया मंडी शुल्क की चोरी करके दूसरे राज्य में अवैध रूप से गेहूं बेचने की कोशिश को मामला है और जो सीधे तौर पर ललितपुर जिला के लाने जो पास मान्य थे उखो मध्य प्रदेश तक ले जावे को मामला जिलाधिकारी ललितपुर ने बताओ है। आपको सुनो ये पूरे मामले पे ललितपुर के जिलाधिकारी का कह रहे। जनपद सागर राज्य मध्य प्रदेश के थाना राहतगढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज के संबंध में सूचना प्राप्त की। मेरे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सागर से वार्ता की गई और जानकारी की गई। उन्होंने बताया कि एक FIR दर्ज की गई है, FIR की प्रति मंगाई गई, उसका अध्ययन किया गया और तत्काल अपर जिला अधिकारी वित्तीय राजस्व से जांच फिर निर्देशित किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व ने अभी अपनी प्रथम दृष्टया जांच संपन्न कर की है क्योंकि पूरे मामले की जांच में समय लगना स्वाभाविक है क्योंकि संबंधित जो ट्रक ड्राइवर है, संबंधित मालिक है और तो जितने भी तथ्य हैं उनको समाहित करते हुए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है। उप जिलाधिकारी मडावरा और अपर जिलाधिकारी वित्तम राजेश सघन जांच के लिए उनको निर्देश दिए जा चुके हैं। अब तक की जो स्थिति सामने आई है वो अपर जिलाधिकारी वित्तम राजेश और उप जिलाधिकारी मडावरा की रिपोर्ट के आधार पर श्री विनोद कुमार जैन तहसील मडावरा के निवासी हैं और प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि इन्होंने मंडी शुल्क का अपवंचन करके और गलत पास का प्रयोग करके जो पास केवल ललितपुर जनपद के लिए मान्य थे उन ट्रकों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया और बिना मंडी शुल्क अदा किए इन्होंने प्रदेश के बाहर जाकर गेहूं ले गए। इसके तहत अभी उनकी पूरी जांच अभी होनी शेष है इसलिए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु उप जिलाधिकारी मढ़ावरा को और अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस्व को निर्देशित कर दिया गया है। संपूर्ण जांच होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अवैध रूप से गेहूं बेचे जा रहे तो सागर जिला में और इन ट्रकों पर बाकायदा कोविड-19 रसद आपूर्ति के पर्चा चिपके थे और यही से संदेह जो ही हो रहा था कि कोविड-19 की खाद्य रसद आपूर्ति को गेहूं कहूँ सागर में तो नहीं बेचे जा रहा। फिलहाल सागर और ललितपुर दो ही जगह ये पूरे मामले की जांच हो रही और जांच के बाद पूरी स्पष्ट फिलहाल सागर और ललितपुर दो ही जगह जिला प्रशासन ई पूरे मामले की पड़ताल को दावा कर रहा और जांच के बाद जो पता चले कि आखिर ई पूरे मामले में कितने लोग एक दूसरे से कड़ियां जोड़क भय दोषी निकलत। लेकिन कई बड़े सवाल उठे हैं और इन सवालों को जवाब जरूरी है कि आखिर
लॉकडाउन में जो पूरो को पूरो खेल हो कैसे रहो तो के ललितपुर के पास लगे वाहन सागर तक पहुंच रहे, ट्रक उते जाके ट्रैक्टर में काय पलटी हो रहे और की तरीके से ई पूरे काम को अंजाम दो जा रहो तो।